शुरुआत कहाँ से? शुरुआत हम दोनों ही लगभग ये 4-5 साल का था, 5 साल का, तो मेरे साथ ही मैं जाता था यहाँ गांधी बाग क्रिकेट खेलने, तो मेरे साथ ही ये क्रिकेट खेलने जाता था ऐसे ही। लेकिन जब इसको मैंने देखा कि इसमें तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो फिर मैंने इसके साथ कोचिंग स्टार्ट की। क्या टैलेंट इसमें देखा था जिस टाइम ले जाते थे? मतलब ग्राउंड में होता था तो एक अलग ही एनर्जी होती थी इसकी बॉडी में। हेलो, तो ग्राउंड में ऐसा लगता था बच्चे और भी आते हैं, लेकिन ये जब ग्राउंड में चलता था या फील्डिंग करता तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी होती थी इसकी बॉडी। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी पढ़ाई को लेकर, लेकिन वो फिर ऐसे ही, क्या नाम है, हम ग्राउंड जाते थे तो थोड़े बोलते थे उसके फादर के पढ़ने नहीं देगा ये वो, तो हम थोड़ा सा इग्नोर करके, लेकिन वो लगता था हमें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो थोड़ा सा इग्नोर करके क्रिकेट पे ज्यादा फोकस किया पढ़ाई को। एक कहावत थी कि मामा को कंस का जाता है, आज मामा नहीं भांजे के खेले बनते। इमोशनली टच असल में हमारी फैमिली में बहुत ही ज्यादा प्यार है। हम 6-7 भाई बहन है और बहुत ही, मतलब रेयर होता है इतना के, मतलब ठीक है, कम फैमिली में ऐसा देखा जाता है। हम बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, तो नहीं ऐसी चीजें नहीं थी, तो यही है बस। क्या उम्मीद लगाई थी उससे कि जिस प्रकार से आज एक अच्छी, मतलब बीट लगी है उसकी जी, तो कभी भविष्य सोचा था इसमें कम तक पहुँच? हाँ नहीं, ये तो बहुत, मतलब बचपन से ही सोचा था कि एक ना एक दिन ये बड़ी क्रिकेट खेलेगा, और वो आज सबर का फल मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे अब देखना, आप बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आपको समीर रिजवी नीली जर्सी में चमक खेलने में कैसा? बहुत ही अलग लेवल का बैट्समैन है, और आप देख रहे हो चेन्नई जैसी अगर टीम ले रही है तो वहाँ गुरु बैठे हैं। मैं समझता हूँ धोनी के बिना कुछ नहीं होता चेन्नई की टीम में, तो अगर उन्होंने लिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के तभी लिया होगा। मेरठ में मेरठ ने कई खिलाड़ी इंडिया को दिए, चावल खेल रहे हैं, क्रिकेट असल में जब से राजीव शुक्ला जी उत्तर प्रदेश की क्रिकेट देख रहे हैं, तो तब से मेरठ में जहाँ भी उत्तर प्रदेश में टैलेंट है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए मेरठ से खेल रहे हैं, अलीगढ़ से रिंकू है, देखो इंडिया खेल रहा है, तो जब से शुक्ला जी ने यूपी की कमान संभाली है तब से कोई भी जिले का जो भी जिसमें भी टैलेंट हो है वो आगे क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया ही खेलना है। मुझे लिंक भेजिए जरा। तो किस प्रकार से जैसे कहते हैं कि कई बहन ने टोका? नहीं, सिस्टर ने तो नहीं कभी टोका। पढ़ाई की तरफ उसका पढ़ाई अभी एजुकेशन पर कम ध्यान दिया, थोड़ा खेल में ही ज्यादा रहता था। अभी उसने हाई स्कूल किया है, फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन। तो ये कहावत मानी जाए कि जो मामा कंस था जी, मामा ने कैरियर तो बनाया लेकिन पढ़ने नहीं दिया। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं।